أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो खालिक अर्ज़ो समा मुदब्बरीन सो जहां है, और हजारों दुरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये महीना जो आपकी जिंदगियों में आपको दिया है, शाबान का महीना और रमजान के इंतजार का महीना, इसको खूब अच्छे तरीके से तैयारियों में आप गुजार रहे होंगे। अगर ऐसी चीजों में कोताहियां हो रही हैं तो कोशिश करें अपनी तैयारी जो है उसको तेज कर लें, अपने आप को एक्टिव कर लें, इसलिए कि जो आने वाला महीना है वो जन्नतों की तलाश का महीना है, वो जन्नतों की जमानत का महीना आ रहा है। तो इसलिए इस महीने में, ये आप जानते होते हैं, ये काश्तकारी का महीना होता है, ये जमीन दिलों की जमीन को जरहेज करने का महीना होता है। जो जो पीछे वाले माह रमजान के जो आपके रोजे रह गए हुए हैं और अभी तक आप रख नहीं सक रहे हो, कोशिश करके वो रोजे जो है उनको मुकम्मल कर लीजिए, और फिर उसके साथ अपने आप को जो आने वाला महीना है उसके लिए तैयार कर लीजिए कि किस तरीके से आपने शबो रोज गुजारने हैं और किस तरीके से उस माह रमजान को आपने बेहतर से बेहतर अंदाज में पाना और उसको आपने लेना है। आज का हमारा जो उन्वान है वो उसी चीज के ऊपर है, और वो चीज कौन सी है? वो जन्नत का बयान है। इसलिए रमजान के महीने में जन्नतों को मुअत्तर किया जाता है। माहे रमजान में आपने सुना हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जो जन्नत है उसको मुअत्तर किया जाता है, उसको खुशबूदार बनाया जाता है, और वहां पे अतरबेजी खुशबुएं जो है उनको निछावर किया जाता है, और ये किन के लिए? रोजेदारों की मेहमान नवाजी के लिए मेहमान नवाजियां तैयार हो रही हैं। तो वो जन्नत है क्या? थोड़ा सा बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें होती हैं जब हम उनके तारुफ़ करते हैं या उनकी बात करते हैं या थोड़ा सा उनके मानी मफहूम को समझते हैं, तो फिर हमारे दिलों में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको लेने से कोताहियां और सुस्तियां करते रहें, और वो जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए तैयार की हैं और हर रमज़ान में उनको मुअत्तर किया जाता है, कहीं हम गफलत में ही ना बैठे रहें। तो इसलिए आज अपने उन्वान को देखिए कि आज हमारा मामला जन्नतों के, जन्नत के बयान का है। जन्नत जो है ये जीम और नून, नून ये एक जल्ला रूट वर्ड इसका होता है, इसका मतलब होता है छुपी हुई चीज, पोशीदा चीज। फरमाने रसूल आता है, आका करीम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की नेमतों को लोगों की फहमो फरासत और अकल और बेनाई और बसीरत से छुपा के रखा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लोगों की आंखों का ठंडक तैयार की है, उनकी आंखों के लिए नेमतें तैयार कर रखी हैं, ये आपकी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती और आपकी बसीरत बसारत भी वो नहीं देख सकती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए क्या तैयार किया है। हाँ, कुछ निशानियां जो हैं वो आका करीम ने उसके बारे में आपको बताई हैं, और वो निशानियां देखिए तो तब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नेमतें तैयार की हैं वो क्या है। जन्नत आपसे पोशीदा कोई चीज, छुपी हुई चीज होना और छुपा के रखी जाना। जन्नत उस जगह को यानी कहते हैं, जन्नत के लफ्ज आप कुरान में पढ़ते होते हो, जन्नत बागात हैं, यानी एक जन्नत की, एक बाग की जमा होते हैं जन्नत, कई बागात हैं, वो एक बाग नहीं है। कोई जन्नत अदन है, कोई जन्नत मावा है, कोई जन्नत खुल्द है, कोई जन्नत नईम है, कोई जन्नत कुसूफ है, कोई जन्नत फिरदौस है, तो वो कई बागात हैं, कोई दाएं बाग है और कोई बाएं बाग है, इसी तरीके से वो आपके लिए तआरुफ दिया जाता है।
तो कई बागात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए तैयार करके रखे हैं। वहां पे है क्या? जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां पे अनलिमिटेड खुशियां, अनलिमिटेड नेमतें, यानी ऐसी खुशियां जिनकी इंतहा ना हो, ऐसी राहतें जिनकी इंतहा ना हो, ऐसा सुकून जिसकी इंतहा ना हो, बे इंतहा सुकून, बे इंतहा खुशियां, बे इंतहा नेमतें, बे इंतहा राहतें, बे इंतहा सलामतियां, बे इंतहा अफियतें, जहां पे ये सारी चीजें हों वो जन्नत होती है। तो जन्नत यानी जहां पे ना खत्म होने वाली नेमतें और सुकून और सेहत और खुशियां और आपके लिए आसाइशें हैं जिनमें कमी नहीं आनी है, जो ना खत्म होने वाली हमेशा रहने वाली है, उनको कहा जाता है। अब उसके कई दरवाजे भी हैं, कई दर्जात भी हैं, वहां पे कई दरख्त भी हैं, उसके अंदर कौन सी नहरें हैं, कौन से उसके अंदर फूल पौधे हैं, कौन से फल हैं, कौन से खाने हैं, आज थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में तारुफ ही लेंगे। सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे मुकम्मल चीज वहां पे क्या है? हमारे रब का दीदार है वहां पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अहले जन्नत को जो अल्लाह करीम का दीदार होना है, ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। और हमें दुआ करनी होती है, ऐ अल्लाह करीम हमें अपना दीदार नसीब फरमाना, अल्लाह हमारी हमें उन लोगों में शामिल फरमाना जो तेरा दीदार करें, अल्लाह हमारी आंखों को अपने दीदार की लज्जत से आशना करना और इनको मुतारफ करवाना। तो ये दुआएं जो हैं आपकी हर वक्त आपकी जुबानों से जारी रहती हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा देख लीजिए कि जन्नत के जो दर्जात हैं वो कौन से हैं और कितने हैं। 8 दर्जात बताए जाते हैं जन्नत के। उनमें सबसे पहले जन्नतुल मावा होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जन्नतुल मुकाम है, यानी 8 दर्जात हैं, लेवल हैं, ग्रेड हैं जन्नत के। जन्नते दारुल मुकाम है, उसके बाद दारुस्सलाम है, ये भी जन्नत का नाम है, यानी दारुस्सलाम सलामती का घर, दारुल मुकाम कायम रहने वाला, कायम करने वाला घर, दारुल खुल्द हमेशा रहने वाला घर, और जन्नते अदन ये ऐसा बाग है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमतों और अपने फजल से अहले जन्नत के लिए तैयार किया है। जन्नते नईम है, नेमतों वाले बागात हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अनगिनत नेमते मौजूद हैं। जन्नतुल कुसूफ है, जन्नतुल फिरदौस है, और जन्नतुल फिरदौस ये जन्नत का सबसे आला व अरफा दर्जा होता है। जन्नतुल फिरदौस के ऊपर रहमान का अर्श है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब भी जन्नत की तलब करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगना। जैसे आपको दुआएं मिलती होती हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत फिरदौस की तालब हूँ, जन्नत फिरदौस का सवाल करती हूँ, इसलिए कि उसके ऊपर रहमान का अर्श है। तो ये आपके लिए जन्नत के जो मुख्तलिफ दर्जात हैं उनकी बात हो रही है। हदीस मुबारका का एक मफहूम साथ ले लीजिए। आका करीम फरमाते हैं कि आपके लिए पूरी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है जन्नत की एक छोटी सी, एक रस्सी के बराबर, एक धागे के बराबर भी कोई जगह दुनिया और दुनिया की हर चीज से ज्यादा बढ़कर, ज्यादा बेहतर और ज्यादा खूबसूरत है और ज्यादा आला है। तो इसलिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नतें तैयार कर रखी हैं, जमीन के ऊपर उनका तो मुवाजना हो ही नहीं सकता, या हमारे पास कोई कंपेयर करने के लिए ऐसी चीज ही नहीं है। जन्नत के दरवाजे भी हैं। एक दफा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नत के दरवाजों का तज़किरा किया और आका करीम ने फरमाया कि जो बंदे जिस तरीके के काम, जैसे कि जो रोजादार हैं उनको बाबुर रियान से बुलाया जाएगा, जिस दरवाजे का नाम रियान है यानी रोजादारों को वहां से बुलाया जाएगा। बाबुल जिहाद है, अल्लाह की राह में मेहनत करने वाले, मुशक्कत करने वाले, स्ट्रगल करने वाले, उनको उस दरवाजे से बुलाया जाएगा। तो इसी तरीके से जो मुख्तलिफ नाम है, जो मुख्तलिफ दरवाजे हैं, लोगों को वहां वहां से बुलाया जाएगा। एक हदीस मुबारका का मफहूम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला यारे गार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। पूछा उन्होंने आका करीम से, आका करीम क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाए? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बकर आप उन्हीं में से हैं जिनको जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाए। एक और हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करूंगी। हदीस मुबारक है
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की वो मोमिन बंदी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानने वाली हो और आका करीम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली हो, अगर वो अपने शोहर की भी फरमाबरदार ताबेदार है तो ईमान वाली है, और अपने शोहर की फरमाबरदार है तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये भी आपको एक रवायत मिलती है, अल्लाह करीम हमें उन लोगों में शामिल करे जो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे उसमें दाखिल हो जाए। तो जन्नत के दरवाजे कौन से हैं? आठ ही दरवाजे हैं जिनका तज़किरा आपको मिलता होता है तफ़सीर में भी और अहादीस में भी। उनमें सबसे पहले बाबू सलाह है, नमाज का दरवाजा। नमाजी उस दरवाजे से पुकारे जाएंगे, नमाजियों के नाम पुकारे जाएंगे और वहां से एंटर होंगे। बाबू सलाह वाले, नमाजों से मोहब्बतें करने वाले, मस्जिदों में जिन्होंने दिल लगाए हुए हैं और नमाजों को कायम करने वाले। उसके बाद बाबुल जिहाद है, जो अल्लाह की राह में मेहनत करते हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की कोशिश करते हैं, अल्लाह के नबी के फरमान को दुनिया में कायम करने की कोशिश करते हैं। ये कह लें कि जो कोशिशें करने वाले और दीन के लिए मेहनतें करने वाले, उन लोगों को वहां से बुलाया जाएगा। बाबू सदका है, अल्लाह की राह में माल को खर्च करने वाले, जान को खर्च करने वाले, नेमतों को खर्च करने वाले, ख्वाहिशें नादानी की ख्वाहिशों को कुर्बान करने वाले, अल्लाह की बताई हुई मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले। सदका, अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह की राह में मुआमलात को चलाने वाले, वो बाबू सदका से पुकारे जाएंगे। उसके बाद बाबू रेयान है, ऐसा दरवाजा जिसमें से रोजेदारों के नाम पुकारे जाएंगे, जो माह रमजान से मोहब्बतें करें, जो रोजे से मोहब्बतें करें और जो रोजे मोहब्बतों के साथ अदा करने वाले हों और सही तरीके से रमजान के मानी और मफहूम से वाकिफ हों। रोजा सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास को रोकने का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को खाना खाने से रोकने का नाम नहीं है, रोजा अपनी आंखों को बेहयाई देखने से रोकने का नाम है, अपनी समातों को बेहयाई सुनने से रोकने का नाम है, रोजा अपने नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से रोकने का नाम है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तरीके बताए उस तरीके से जिंदगी गुजारना और अपनी बेजा ख्वाहिशों और रस्म व रिवाज को लगाम लगा के सुन्नतों के ताबे होने का नाम है। तो बाबू रियान से पुकारे जाने वाले जो रोजादार हैं। उसके बाद बाबुल हज है, जो अल्लाह की राह में निकले और फिर अल्लाह के बताए हुए तरीके और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरोकारी करते हुए मेरे आका करीम की बताई हुई दुआएं अपनी जुबानों से निकालते हुए और उसी आजजी और इनकसारी के साथ कह लीजिए जात पात और हसब नसब की नफी करते हुए एक सफ में खड़े हो गए, और जब वो दुआएं अपनी जुबान से निकाल लें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हम हाजिर हो गए, ए मेरे परवरदिगार हम हाजिर हो गए, तेरे साथ कोई शरीक नहीं है और हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, ए अल्लाह बादशाहियां भी तेरे लिए, ए अल्लाह मुल्क भी तेरे लिए, सल्तनतें भी तेरे लिए, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। ये जुमले जब उनकी जुबानों से निकलते हैं तो यकीन जानिए फरिश्ते कैसे उनके जुमलों को उचक के लिख के और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पेश करते और उनके दर्जात बुलंद होते हैं। बाबुल हज पे उनके नाम लिखे उस रजिस्टर में होंगे जहां से इनको पुकारा जाएगा। उसके बाद एक दरवाजा है जो दरवाजा बाबुल काज़िमीन अल-ग़ैज़ का है, अपने गुस्से को पी जाने वाले। इनके नाम का दरवाजा जन्नत का दरवाजा है, जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। ये कह लें कि ये इतना मामला आपके लिए जानने वाला, गुस्से को कंट्रोल करने वाले, ये ऐसा घूंट है जिसके पीने से आपके दर्जात बुलंद होते और जन्नतों के दरवाजों पे आपके नाम लिखे जाते हैं। जो गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, जो गुस्से में खामोशी इख्तियार करते हैं, जो अपने गुस्से को रोक लेते हैं और इस्लाह की तरफ कदम को चला लेते हैं, गुस्से को रोकने वाले काज़िमीन अल-ग़ैज़। काज़िम होता है आंखों को बंद करने वाले, आंखें झुका लेने वाले, ग़ैज़ गजब में गुस्से में अपनी बात अपनी जुबान अपनी नजर को कंट्रोल कर लेने वाले और उनको नीचे रखने वाले। ये दरवाजा है जन्नत का, तो जहां से इन लोगों को पुकारा जाएगा और इन लोगों को वहां से दाखिल किया जाएगा जन्नतों में। उसके बाद है बाबुल ईमान, अपने ईमान को खूबसूरत बनाने वाले, अपने ईमान को बढ़ाने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुआमलात के ऊपर, किताबों के ऊपर, उसके फैसलों के ऊपर, तकदीर के ऊपर, मरने के बाद जी उठने के ऊपर ईमान रखने वाले, यकीन रखने वाले, अल्लाह के अहकाम को सर आंखों पे तस्लीम करने वाले, अपनी जिंदगियों में जारी करने वाले,
अल्लाह के नबी की जात को, अल्लाह के नबी के फरमान को जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म है उसी तरीके से इत्तबा करने वाले, मोहब्बतें करने वाले, मेरे नबी की तालीमात को अपनी ख्वाहिशों के ऊपर तरजीह देने वाले, अल्लाह के नबी की तालीमात के मुताबिक जिंदगियां गुजारने वाले, बाबुल ईमान जिनका ईमान है, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान रखने वाले, मेरे रब की भेजी हुई किताब के ऊपर यकीन करने वाले, अल्लाह के दिए हुए अहकामात के ऊपर यकीन रखने वाले, तवक्कुल करने वाले, ये बाबुल ईमान है, वो लोग जिनका ईमान मजबूत है और वो उसी दरवाजे से बाबुल ईमान से जन्नतों में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद है बाबुल जिक्र, बड़ी खूबसूरत सी बात है और बड़ा आसान सा मामला। कुछ चीजें तो आपको बड़ी मुश्किल सी लगती होती हैं, वही कह लें कि जो आप मामलात पीछे पड़ रहे हो, हज का मामला भी इतना आसान नहीं है, अल्लाह की राह में मेहनत करने का मामला भी इतना आसान नहीं है। इसी तरीके से आप देख लीजिए गुस्से को पी जाना भी ये कोई आसान मामला नहीं है। बाबु जिक्र को देख लीजिए, ये कितना आसानियों से आपको दरवाजे के ऊपर आप नाम लिखवा सकते हो और आप इसमें शामिल हो सकते हो। अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह का तज़किरा करने वाले, अल्लाह की बात करने वाले, अल्लाह से मोहब्बतें करने वाले, जुबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखने वाले, बाबो जिक्र उस दरवाजे पे इनके नाम लिखे जाएंगे और वहां से इनको जन्नतों में दाखिल किया जाएगा। तो हम सारे के सारे ये कह लें कि इस दरवाजे में दाखिल होने की कोशिशें और वहां पे अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। कोई भी आप अगर सिर्फ इस्तग़फार भी करते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि इस्तग़फार सिर्फ और सिर्फ जुबान के टिप ऑफ टंग पे रखे हुए अल्फाज ना हो, इस्तग़फार दिलों की गहराइयों से निकला हुआ और अपने गुनाहों की शर्मिंदगी में डूबा हुआ हर्फ हो। अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह हमारी खताएं, हमारे गुनाह, हमारी नादानियां, हमारी लग्जशें ए अल्लाह करीम मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हम तुझसे बख्शिश तलब करते हैं, अल्लाह अपने सारे सगीरा कबीरा गुनाहों पे शर्मिंदा है, ए अल्लाह करीम हमें गुनाहों की माफ़ी दे दे। ये कह लें कि ये आप इस्तग़फार करने वाले, ये जिक्र करने वालों में शामिल हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतों पे अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले, ए अल्लाह मुझे देखने की सलाहियत दे दी, ए अल्लाह मुझे सुनने की सलाहियत दे दी, ए अल्लाह मुझे बोलने की सलाहियत दे दी, ए अल्लाह मुझे इतनी नेमतें, अल्लाह अकलो दानाई अकलो शऊर की नेमत दी, अल्लाह सोचने समझने की नेमत दी, अल्लाह जुबान को चखने की, जायके महसूस करने की, एहसास की नेमत दी, ए अल्लाह हाथों को पकड़ने की नेमत दी, ए अल्लाह तूने मुझे रिश्ते नेमत दिए, ए अल्लाह तूने मुझे सेहत नेमत दी, ए अल्लाह मुझे आसानियां नेमत दी, ए अल्लाह मुझे अपना जिक्र करना और उस मेरी जुबान से वो अल्फाज निकलना तूने नेमत दिया, ए अल्लाह तेरे लफ्जों और तेरी बात के साथ मोहब्बत करना तूने नेमत दिया, ए अल्लाह जो दिलों के अंदर तेरे जिक्र से अकीदते हैं तूने नेमत दी। अगर आप ये सारी की सारी चीजें, ए अल्लाह दुनिया के रिश्ते, ए अल्लाह दुनिया के घर, ए अल्लाह दुनिया की आसानियां, ए अल्लाह दुनिया के माल असबाब, ए अल्लाह तेरी तरफ से अता की हुई में नेमते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह मैं तेरी हर हर नेमत के ऊपर तेरा शुक्र अदा करती हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी शुक्र गुजार हूँ, ए अल्लाह मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, ए अल्लाह तेरे दिए हुए इनामात ज्यादा हैं। अल्लाह तेरा कुरान कहता है अगर मेरी नेमतों को गिनने लगो तो तुम गिन नहीं सकते, ए अल्लाह हमने ये जाना हम तेरी दी हुई नेमतों को गिनना चाहें भी तो गिन नहीं सकते, ए अल्लाह हम जैसे तेरी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए था हम उस तरीके से कर नहीं सक रहे, ए अल्लाह हमारा नाकुस सा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह ये तेरे सिखाए हुए अल्फाज, तेरी सिखाई हुई बात, ए अल्लाह तेरे हुजूर में पेश करते हैं। आप यकीन माने ये अल्फाज आपके जुबान से निकलने की ढील है, आपके नाम बाबुल जिक्र में लिखे जाते हैं। सुबहानअल्लाह के अल्फाज अपनी जुबान से जारी कर दीजिए, तीसरा कलमा उसमें सारी की सारी तस्बीहात होती, अक्सर औकात में आपको रिमाइंडर देती होती हूँ, तीसरा कलमा उसमें सारी की सारी तस्बीहात, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम, ये सारे के सारे खजाने भी शामिल, ला इलाहा इल्लल्लाह भी शामिल, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी शामिल, तस्बीह व तहलील भी शामिल, तमहीद भी तहमीद भी शामिल, ये कह लीजिए तहलील भी शामिल, ये सारे के सारे तज़किरे ये आपके इस कलमे में शामिल होते हैं। आप अगर सिर्फ तीसरा कलमा ही अपनी जुबान से जारी रखें
तो कहाँ पे आपके नाम लिखे जाते हैं? बाबू जिक्र पे लिखे जाते हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह के तज़किरे करने वाले, रब को याद करने वाले। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक भेजना बेहतरीन अफजल तरीन अमल है, ऐसा अमल कि जिसके आपके बोलते ही आपके ऊपर रहमतें नाजल होनी शुरू हो जाएं, आपके ऊपर रहमतों के नजूल शुरू हो जाएं, आपके दर्जात बढ़ने लग जाएं। तो ये अज़कार हैं आपके पास, इन अज़कार को आपके लिए आपने लेके चलना। जन्नत की नहरों की तो बात सुन लें, जन्नत की नहरें कौन सी हैं? आते करीम का जब मेराज हुई है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चार नहरें जो हैं जन्नत में मुझे दिखाई गई, दो नहरें जो थीं वो पोशीदा थीं, और जो दो नहरें हैं जो ढकी हुई हैं, और दो जो हैं वो जाहिर हो रही थीं। मैंने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन कौन सी नहरें हैं, और हजरत जिब्राइल अमीन ने बताया दो नहरें, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, आका करीम ने चार नहरों के नाम बताए, एक का नाम सईहान है, एक का नाम जईहान है, ये दोनों पोशीदा हैं, ये छुपी हुई हैं, सईहान और जईहान, और दो जो जाहिर हो रही हैं उसमें नील और फुरात है। अब इसका थोड़ा सा जिस तरीके से आप कुरान के तर्जमे और तफसीर देखते होते हो, इसी तरीके से अहादीस के मफहूम और तफसीर भी और मानी भी आपने जानना होता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो जमीन के ऊपर दरियाए नील और दरियाए फुरात हैं यही हैं और यही जन्नत का पानी है और वहां से आ रहा है। ये कह लें जिस तरीके से आपको कुछ अहादीस मिलती हैं और कुरान की भी आयात उसमें आती हैं कि आप उन नेमतों से वाकिफ नहीं हो, उन चीजों को आपकी आंखों से छुपा के रखा गया है, आप जानते नहीं हो। नील और फुरात का जो नाम बताया गया है ये इसमें खसूसियात बहुत ज्यादा हैं। नील वहां पे भी नबियों का ही गुजर था, और जो फुरात है वो भी नबियों का ही वहां पे अकामोडेट करने वाला पानी, वहां पे भी अंबियाए कराम के ही गुजर थे और उन्हीं की बस्तियां थीं, और दरियाए नील भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देख लीजिए, और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए उस खत को भी देख लीजिए जो दरियाए नील के नाम लिखा गया था। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से ये निशानियां बताई जाने वाली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरीके से, जैसे ये दरिया खूबसूरत और बड़े नबियों के साथ फायदे देने वाले और उनकी बस्तियों के पास, इसी तरीके से वो चार दरियाओं का नाम आता होता है। अब ये कहने कि वहां पे जो दरिया हैं जो बताए जाते हैं उनके किनारे किस तरीके से हैं, उनके जो किनारे हैं एक किनारा जो है वो मोतियों का है और एक किनारा जो है याकूत का है, एक किनारा जो दरिया का आता है वहां पे सुच्चे मोती हैं और दूसरी तरफ याकूत है, और दरमियान में जो नीचे उसके कीचड़ है या नीचे जो पानी के नीचे जो बहने वाली मिट्टी है वो मुश्क की मिट्टी है, वो खुशबू की मिट्टी है, और दोनों किनारों से चमकता हुआ पानी, पानी दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, और इस तरीके से नरमी मक्खन से ज्यादा नरमी उसमें आती है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये बिछाए गए, ये वहां पे दरिया हैं और वहां पे नहरें हैं, वहां पे आबशारे हैं, आप जानते होते हो चश्मे जिनकी बात आती होती है, जो हौज की बात आती होती है, एक हौजे कौसर है, एक हौजे सलसबील है, जिसको चश्मा भी जन्नत का कहा जाता है, जो जन्नत फिरदौस से निकलता और उससे फिर वो ब्रांचें जो हैं उसकी फैलती, और जो अहले जन्नत हैं उनके घरों से होता हुआ और उनके घरों से उनको जिस तरीके से चाहेंगे वहां वहां उसको बहा के ले जाएंगे, इस तरीके से उनके पानी होंगे, इस तरीके से वो बहते हुए होंगे। अब जन्नत के दरख्त की भी बात देख लीजिए किस तरीके से दरख्त हैं, ऐसे दरख्त जिनके बारे में हदीसे मुबारिका आपको बताती होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जन्नत में दरख्त तैयार कर रखे हैं वो किस तरीके से हैं, गहरे सब्ज रंग के दरख्त हैं, गहरे सब्ज रंग के पत्ते हैं, जो उनके तने हैं वो सोने के तने हैं, जो उनकी शाहें हैं वो सुर्ख याकूत की शाहें हैं, जो उनके साथ पत्ते लगे हुए हैं वो गहरे सब्ज रंग के पत्ते हैं। ये इतने खूबसूरत से मामलात बताने का मकसद ये कि अगर आपके सामने तारुफ जन्नत का आएगा तो तब हम उनकी तलाश में भटकेंगे, हमने जन्नत को तलाश करके पाने की कोशिशें करनी है। आपके पास जो दिन आए हैं ये इसी के हैं, कोशिश में रहिए,
कुछ वक्फे के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जन्नत के बयान के ऊपर कि जन्नत कैसी है। थोड़े से तारुफ ही हैं जो हमने करने हैं, बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नेमतें हमारे लिए छुपा के रखी हैं और वो सरप्राइज है अहले जन्नत के लिए जो अल्लाह ने तैयार करके रखा है। आका करीम ने थोड़ा सा तारुफ आपको दे दिया ताकि ये छोटा सा, कोई कह लिया, अक्सर हम बात करते होते हैं एक पैकेज सा छोटा सा बना के दिया कि एक दफा देखिए तो सही। दुनिया के बड़े खूबसूरत से आपके पास कुछ चीजें आती हैं, कुछ मनाजर आते हैं, कुछ उनकी पिक्चर्स आती हैं, कुछ उनका तारुफ आता है। हम इतनी कोशिश करते हैं और अपने लिए वो ड्रीम हॉलीडेज बुक करने की कोशिश करते हैं कि वहां पे हम करें, वहां पे जाएं, इसलिए कि इतनी खूबसूरत सी चीजें हैं। यकीन जानिए जो जन्नत की नेमतें और जन्नत की खूबसूरतियां और जो जन्नत के मनाजिर हैं, जितने से हमें समझाए या बताए गए, वो कहीं पे आपको उस तरीके के सिवाय जन्नत के कहीं मिल ही नहीं सकते। क्यों ना हम ऐसा करें कि वहां पे हमेशा रहने के लिए कोशिश करें, हमेशा उसको मांगने की कोशिश करें और हमेशा के लिए वो नेमतें पाने के लिए हम दुनिया में भी थोड़ी सी स्ट्रगल कर लें। आप जानते हैं कुरान की एक आयत है, अहले जन्नत की सिफात क्या हैं? ये बता के तो फिर मैं जन्नत की जो बात है आगे आपके लिए बयान में जारी रखूंगी। वो सिफात कौन सी है? सूरह आले इमरान की एक आयत आती होती है, उस आयत में बताया गया जो जन्नती होंगे उनकी ये सिफात हैं। जमीन में चलते फिरते अगर देखो इन सिफात वाले लोगों को, तो समझ लेना वो अहले जन्नत हैं। तो अगर हमें जन्नत की ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं, उन मनाजर को देखने की, उन नेमतों को पाने की, उन जगहों में जाने की, उन दरवाजों से दाखिल होने की, तो ये सिफात जमीन पे भी पैदा करनी पड़ती हैं। वो सिफात देख लीजिए, सूरह आले इमरान है, आयत आ रही है कुरान की, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ। ये लोग क्या करते हैं? الذين ينفقون, ये लोग खर्च करते हैं, في السراء والضراء, ये खुशहाली में भी और तंगदस्ती में भी, ये दोनों हालतों में खर्च करने वाले हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। जब उनके पास माल की कमी हो तब भी खर्च करते हैं, माल की ज्यादती हो तब भी खर्च करते हैं, खुशहालियों में भी रब की राह में जुड़े हुए हैं और अल्लाह की राह में सदके हैरात करने वाले हैं और तंग दस्तियों में भी सब्र करने वाले और अल्लाह के आगे झुकने वाले और अल्लाह से मांगने वाले हैं और फिर अल्लाह की राह में जो चीज उनके पास है उसको खर्च करने वाले। वल काज़िमीन अल गैज़, कुरान कहता है अगली सिफत उनकी है, वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। ये आपने जन्नत के दरवाजे का नाम भी पढ़ा है, बाब जो है उसका नाम आपने पढ़ा था। एक औलत मौजूद है, बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपकी आवाज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, जो आज का प्रोग्राम है तो बहुत ही अच्छा है और आपका बयान दिलों पे असर करता ही रहता है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हाफ में यानी कि हनफी में जब तशहुद पढ़ते हैं यानी कि सादा पोजिशन में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुआ पढ़ते हैं, तो उसमें जो हमारे हाथ होते हैं वो किस तरह होते हैं, यानी कि राइट हैंड में शहादत को कब उठाना है या उसकी क्या पोजीशन होती है, प्लीज ये मुझे रहनुमाई कर दीजिए। जी, मुझे बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा हेलो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो आप तशहुद में हाथ रखने की पोजीशन के बारे में पूछ रहे थे कि किस तरीके से रखे जाते हैं। अगर आप मौजूद हैं तो दोबारा बात कर सकती हैं।
तो नहीं तो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी, जैसे जिस तरीके से मुझे समझ आई है कि आप तशहुद में जो हाथ रख के अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ते हैं, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं और फिर उसके बाद दुआएं मांगते हैं, उसकी पोजीशन की बात कर रही हैं, तो हाथों को जिस तरीके से आप रखते हैं उंगली उठाने के ऊपर थोड़ा सा बात बास दफा कर रहे होते हैं कि आप उंगली जो है उसमें इर्तआश है, उंगली उठा के उसमें हरकत आती है, उसमें भी हदीसे मुबारका मौजूद है कि जब सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने आका करीम को देखा जब तशहुद के लिए उंगली उठाई और उसमें थोड़ा सा इर्तआश था, यानी थोड़ी सी हरकत भी थी और ऐसे था जैसे वो इशारा किसी तरफ हो रहा है और आपकी निगाह भी उसकी तरफ थी, तो ये कह लें कि ये तरीका सुन्नत का तरीका मौजूद है, हदीसे मुबारका में मौजूद है। जी एक और कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ठीक है आप? अल्लाह के एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं, क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी क्वेश्चन है, मेरी छोटी बहन रहती है ना बांग्लादेश में, तो उसको मैं फिदिया और फित्रा का पैसा दे सकती हूँ? फिदिया और फित्रा का पैसा, क्योंकि उसके पास घर नहीं है ना, हम लोग भाई बहन मिल के उसको उसको चलाती हूँ ना, तो ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जो आपके बहन भाई हैं वहां पे अगर वो हाजतमंद हैं, अगर वो जरूरतमंद हैं, तो आप उनको ये पैसे दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जो आपके भाई बहन जरूरतमंद हों, हाजतमंद हों और वो मालदार नहीं है, साहिब हैसियत नहीं है, तो उनको आप ये चीजें दे सकते हैं। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। बात हम कर रहे थे जन्नत के मनाजर के बारे में, जन्नत की नेमतों के बारे में, जन्नत के बारे में, तो उसके दरख्त की बात हो रही थी कि जन्नत में एक दरख्त ऐसा है जिसके नीचे अगर घुड़सवार 100 साल घोड़ा दौड़ाता रहे तो उसका साया क्रॉस नहीं कर सकता, उसके साये को पार नहीं कर सकता, इतना गहरा दरख्त है। तफसीर में ये भी आता होता है कि सिदरतुल मुंतहा उसका नाम जो बताया जाता है, फिर उसके जो फल हैं वो, उसके जो पत्ते हैं वो ऐसे गहरे सब्ज रंग के हैं और इतने बड़े हैं जैसे कि हाथी के कान होते हैं, और जो उसके साथ फल है लगा हुआ वो ऐसे है जैसे मटके होते हैं और एक फल के अंदर 70,000 खानों के जायके होते हैं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा यानी जन्नत की बेरी के बारे में बात की तो तब सहाबा इकराम में से किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल जन्नत में तो तकलीफ दे चीज कोई नहीं होगी, तो ये जो बेरी है इसके साथ तो कांटे भी लगे होते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरह वाकया पढ़ते होते हो तो वहां पे जो तफसीर आती होती है कि इसके कांटे साफ कर दिए गए हैं, हर कांटे की जगह की पे एक फल जो है वो लगा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एक दरख्त की ऐसी मिसाल है कि बाकी जो दरख्त हैं उनकी तो बात ही मत पूछिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरीके से इनामात जो है और नेमतें तैयार करके रखी हैं। जो जन्नत की चार नहरें हैं उनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, एक कॉलर मौजूद है, हमसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि रमजान के जो ज़कात के पैसे हैं वो जो मस्जिद में तालिबे इल्म, पाकिस्तान में तालिबे इल्म है, वो बच्चे यतीम है या कुछ है, उनको मैं कपड़े ईद के लेके दे सकती हूँ ज़कात के पैसों से? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मुझे याद नहीं कि कितना, और मैं उम्र में भी कम थी, मेरा ख्याल है कम भी नहीं थी, मगर ये है कि मैं पहली दफ़ा उम्र में गई हूँ, तो मैं जिस वक्त सही करने लगी हूँ, सही करते एक दफ़ा मैंने चक्कर लगा के ऊपर गई हूँ, तो वहाँ पे मुझे दो औरतें अपनी मिलने वाली मिल गई हैं, तो मैं उनसे खड़ी होकर तो पूछती हूँ कैसी हो, कल तुम कहाँ भाई हो, मुझे हैरान हो गई हूँ कि ये किधर आ गई हैं, हैरान हो गई हूँ, फिर मैंने नीचे वापस आके सही वगैरह की है, तो क्या इसका मुझे कोई दम देना पड़ेगा? मुझे कल याद आई है, मुझे तो याद नहीं, बड़े अरसा हो गया, 25-30 साल हो गए। जी मैं अभी आपको बता देती, अभी बता देती हूँ इंशाल्लाह। जो आप ज़कात के पैसों का पूछ रहे हैं, बहुत बेहतरीन मसरफ है जो आपने बोला है कि अगर जो बच्चे तालिब इल्म हैं वो इल्म हासिल कर रहे हैं तो उनको अगर उनको खाना पीना देते हैं या कपड़ा पहनना देते हैं या उनके इल्म हासिल करने के ऊपर आप देते हैं, ये सारे जो मसारिफ हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह काबिले कबूल हैं, ज़कात दी जा सकती है, इसका कोई भी इशू ऐसा नहीं है और बहुत बेहतरीन जगह है, बेहतरीन तरीका है ये ज़कात देने का।
जो दूसरा आप बोल रहे हैं कि उम्रे के ऊपर जब आप गए थे, तो अगर तो आपका यानी जिस तरीके से आप बात कर रहे हो कि सही को छोड़ दिया था या भूल गए थे या सही आपने मुकम्मल नहीं की है, तो तब तो दम देने की बात होती है। अगर आपने सही मुकम्मल की है, अगर वैसे आप ठहरे हो उसमें और ठहर के आपने कोई बात कर ली है और बात करने के बाद दोबारा आपने सही को मुकम्मल कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, अल्लाह करीम कबूल फरमा ले। अगर आपकी सही वो मुकम्मल नहीं हुई है, आप यानी अगर कुछ चक्कर आपने लगाए हैं तो लोगों से मिलके तो भूल गए हैं, तो उनके साथ बातों में मशहूल हो गए हैं, तो आपने सही नहीं पूरी की है आगे, तो तब बात होती है। अगर आपने कर लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम कबूल फरमा जी। हम बात कर रहे थे जन्नत में जो चार नहरें हैं वो किस किस चीज की हैं। एक तो पानी की नहर है, और वो पानी की जो नहर है वो पानी जन्नतों का पानी है। एक चीज ध्यान में रखिए, जन्नत में एक शहद की नहर भी है, एक दूध की नहर भी है। यानी शहद की नहर जो है, ये शहद जो तैयार हुआ है, ये मेरे रब के हुक्म से उनके कलमे से शहद की नहर तैयार हुई है, ये किसी मक्खी के पेट से नहीं आई है। और वो जो दूध की नहर है, वो भी जो दूध किसी जानवर के पेट से नहीं आया, मेरे रब के कुन के कलमे से वो दूध की नहरें जो है, जिनके जायके भी खराब नहीं हुए और जिनके वो खुशबू भी नहीं बदली, वो दूध की नहरें हैं। एक नहर जो है वो शराबे तहूर की है, मशरूब आप कहते होते हो, यानी ऐसा मशरूब जो पाकीजा तहारत वाला। आप जानते हैं दुनिया के कुछ मशरूब ऐसे हैं जिनकी इजाजत भी इस्लाम ने नहीं दी है, और जिनको जैसे अरेबिक में जो लफ्ज आप बोलते होते हो उनके साथ ही लोग उसको मशरूब के तौर पे, शराबा के तौर पे या पीने के तौर पे अगर नाम लेते हैं, तो वो जो मशरूब होते हैं उनको तो मना कर दिया गया, नापाक हैं, उनमें हबास्ते हैं, उनमें बीमारियां हैं, उनमें आपके लिए आपको रोक दिया गया उन चीजों से, उनमें गंदगियां हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मशरूब तैयार किया है, जो शराबे तहूर है, जिससे ना तो जहन खराब हो, ना सोचें परा गंदा हो, और ना आपके मामलात जो हैं वो कहीं बिगड़े या बहके, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से तैयार किए गए ये मशरूबात हैं, ये नहरें हैं जो वहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तैयार की हैं। जो हम बात कर रहे थे दरख्त की और उसके फल की, उसको देख लीजिए वो कौन सा है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ऐसा जन्नत में दरख्त तैयार किया है वो एक, और जो दूसरे फलों के दरख्त हैं जिनके मेवे झुके हुए आपके पास आएंगे, यानी ऐसे झुके हुए जो मेवे हैं वो आपके पास आने वाले। जो निशानियां हम बात कर रहे थे वो कौन सी थी, यानी गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीन अनन्नास, अहले जन्नत की निशानियों की बात पहले कर रहे थे, लोगों को माफ करने वाले, आफीन उफ वो दरगुजर से काम लेने वाले, नरमियां करने वाले, आसानियां करने वाले, ये किन की सिफत है, जमीन पे कोई चलता फिरता ऐसा नजर आए तो ये जन्नती हैं, अहले जन्नत की सिफत होती है लोगों को माफ करने वाले। उसके बाद अल्लाह की किताब कहती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहब्बतें करता है एहसान करने वालों से, नेकी करने वालों से, भलाई करने वालों से, उनको अल्लाह पसंद करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बतें करते हैं। अब हमने देखना यह है कि जो अहले जन्नत हैं वो किस तरह के होंगे, उनके घरौंदे किस तरह के होंगे, उनके मोहल्लात किस तरह के हैं, उनका जन्नत का जो एक हैमा है, हैमे की बात कर रही हूँ, जो टेंट है, एक महल जो है उसकी तो बात ही और है, जो एक हैमा है जन्नत का, उसकी जो लंबाई चौड़ाई तफसीर में बताई जाती है वो 60 हाथ या 60 गज, 60 यार्ड बताई जाती है। 60 यार्ड जन्नत के हैमे की ये तूलो अर्ज बताया जाता है, जिसका एक कमरा, एक हैमा, एक जगह इतनी बड़ी है, तो उसके जो महल्लात हैं और महल्लात में जो इतने कमरे और इतनी चीजें हैं वो कितनी बड़ी होंगी, और उनकी लंबाइयां चौड़ाइयां क्या होंगी, और किस तरीके से उसके अंदर खूबसूरतियां और किस तरीके से हवाएं मुअत्तर होंगी। हर जुमे को ऐसी हवा चला करेगी कि जो लोगों को और ज्यादा उनके चेहरों को पुरनूर बना देगी, लोगों को और ज्यादा खूबसूरत बना देगी, और फजाओं को और ज्यादा मुअत्तर कर देगी। ये हर जुमे को एक ऐसी हवा चला करेगी। जो जन्नती हैं उनका जो लिबास होगा वो गहरे सब्ज और हल्के सब्ज रेशम के लिबास होंगे। जो ऊपर वाली लेयर है वो भी रेशम की होगी, पतले रेशम की, और नीचे वाली लेयर है मोटे रेशम की होगी। उनकी कितनी लेयर्स होंगी, 70 लेयर्स भी बताया जाता है, 70 लेयर्स उस लिबास की होंगी, उसकी खूबसूरती और उसकी नजाकत ऐसे होगी, और हल्के ग्रीन और गहरे ग्रीन कलर का वो लिबास होगा। ये जन्नतियों को लिबास पहनाए जाएंगे।
जो उनके जेवरात हैं, जो उनके कंगन हैं, जो उनको, जो अहले जन्नत के, जो आदमियों को, इसलिए कि आकाए करीम ने आदमियों को सोना पहनने से मना किया है जमीन पे, और जो अल्लाह की रजा के लिए और नबी के फरमान के मुताबिक उन चीजों को छोड़ दें जो आकाए करीम ने मना फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नतों में वो पहनाएंगे, जन्नतों में उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। तो ये अगर इतनी सी चीज को हम इसको दुनिया के ऊपर ये कह लें कि ये छोटे से कोई ब्रेसलेट या चेन या अंगूठी को हम छोड़ देते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतों में वो कंगन जो है पहना दे, तो ये उनके जेवरात होंगे अहले जन्नत के जो पहनाए जाएंगे। जो उनके बारे में उनके कदोकाट की बात आती होती है, ये भी बड़ी जानने वाली और बड़ी समझने वाली, जो तफसीर में बताया जाता है, तफसीर इब्ने कसीर की बात या तफसीर सादी की बात आती है, तो बताया जाता है ये वहां पे जो अहले जन्नत जन्नतों में जाएंगे उनका कद हजरत आदम के कद की तरह 60 हाथ होगा, यानी 60 गज की बात होती है, ये इतना जो है कद जो उनका होगा, 60 फुट की बात होती है, 60 फुट के साथ भी तफसीर में ये लिखा हुआ आता है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो इस तरीके से कह लीजिए कि उनके कदो कामत होंगे। जो उम्र है वो भी 30 से 33 साल बताई जाती है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पे उठा लिया गया है जिंदा आसमान से, जो उनकी उम्र थी वो 30 से 33 साल बताई जाती है, वो जवानी की उम्र जो है। कोई बूढ़ा होके भी दुनिया से रुखसत हो तो वो जवान होके जन्नतों में दाखिल होगा, जो हुस्न जमाल होगा उनका वो ऐसे होगा जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का परताव होता है। जो उनके जो सबर की बात होती है, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सबर की बात आती होती है, जो इखलाक की बात है वो आका करीम के इखलाक के परताव के अंदर ये उम्मत जो है, उम्मत मुहम्मदी जो है, उसी तरीके से ये जन्नतों में दाखिल होंगी। ये इस तरीके से इनका जो दाखला है और इनका जो कह लीजिए कि जन्नत वालों के जो मामलात हैं, इस तरीके से वो वहां पे होंगे। अब उनके लिए जो आपके लिए और चीजें जो जन्नत में जो संग्रेजे जो उनके घर हैं उनकी थोड़ी सी बात देख लीजिए, किस तरीके से घर हैं, जो महल्लात तामीर किए गए हैं। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ही है जैसे एक ईंट सोने की हो और एक ईंट चांदी की हो, और उस दोनों ईंट को जोड़ने के लिए जो दरमियान में मसाला इस्तेमाल किया जाता है, जो मड इस्तेमाल किया जाता है, वो कस्तूरी का हो या मुश्क का हो, खुशबू का हो, वो खास और खालिस खुशबू, उससे इन दोनों ईंटों को जोड़ा जाए। फिर जो नीचे जमीन के ऊपर बिछाए गए संग्रेजे होते हैं, जैसे आप लोग अपने दालान में या अपने पोर्च में जो कंक्रीट आप बिछाते होते हो या लगाते होते हो या मार्बल आप लगाते होते हो, जो जन्नत की वो जो दालान है वहां पे जो संग्रेजे बिछाए जाएंगे वो लाल और यकूत के होंगे, मोती और यकूत के होंगे, लाल के और यकूत के, ये इन रंगों के संग्रेजे होंगे, जैसे कि बिल्कुल सफेद चमकदार मोती हैं, यकूत सुर्ख रंग का भी होता है और गहरे गुलाबी रंग का भी होता है, ये बड़ा पिंक भी और वो उसका मेजेंडा से कलर में भी बड़ा खूबसूरत जो सुच्चे मोती होते हैं, आप उनको देखिए, आपकी आंखों को इतनी तस्कीन और इतनी खूबसूरती और तकवीयत देते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये संग्रेजे बिछाए जाएंगे। जो मट्टी है वो ऐसे होगी जिस तरीके से खुशबुओं वाली मट्टी होगी, जिस तरीके से मुश्क होती है, अंबर होता है, उसकी खुशबू होती है, ऐसी मट्टी होगी जो बिछी हुई होगी, और इस तरीके से वहां पे जो है ये नेमतें जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो दरवाजे हैं सोने के दरवाजे और सोने की खिड़कियां लगी होंगी और उनको लालो जवाहर से और उसके साथ मुजयन कर दिया जाएगा। जो आपके जो स्टोन है, जो रियल स्टोन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन रियल स्टोन के साथ सोने के दरवाजों को मुजयन करवाएगा, आपके लिए वो दरवाजे तैयार किए जाएंगे। फिर आपके लिए मेहमान नवाजियां तैयार की जाएंगी। वो यहूद के कुछ आलम थे तो वो आए थे आका करीम से पूछने के लिए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए जो अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे उनको कौन सा खाना दिया जाएगा, किस खाने से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनके लिए कौन से शेफ होंगे वहां पे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अल्लाह ने चुने हैं शेफ उनके लिए खाना तैयार करने के लिए, जो उनके लिए खाना तैयार करेंगे, जो पहला खाना अहले जन्नत को दिया जाएगा हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक,
वो व्हेल मछली के जिगर का टुकड़ा है उसके खाने को तैयार करके वो अहले जन्नत को पहला खाना जो जन्नत में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो अगला खाना इनको दिया जाएगा वो एक जन्नत का एक बैल है, उसको जबा करके, जन्नत के बैल को जबा करके उसका गोश्त जो है उसको तैयार किया जाएगा और ये अहले जन्नत को ये खाना जो है ये सर्व किया जाएगा। और फिर रोज जो उनके मामलात हैं, किसी किस्म की उनके जिस्म से जो गंदगी और गलाजत है वो निकलेगी नहीं, वो उनके खत्म कर दी जाएगी और ना उनको कोई पसीने आएंगे, ना कोई उनको कोई टॉयलेट इस्तेमाल करने की हाजत होगी, ना कोई थूक होगा, ना कोई नाक से या कान से कोई गंदगी या मैल निकलेगी, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा जो गैर जरूरी जो गंदगियां जिस्म के ऊपर हैं कोई ऐसी चीज नहीं होगी। सफेद चेहरे होंगे, जो पहला ग्रो अहले जन्नत का जन्नतों में दाखिल होगा उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे चौदहवीं के चांद होते हैं, चौदहवीं के चांद की तरह रोशन चेहरे उनके होंगे। जो अहले जन्नत होंगे उनके मामले इस तरीके से हैं। और जो कह लीजिए जो उसके बाद ग्रो दाखिल होगा वो ग्रो इस तरीके से होगा जैसे कि उनके चेहरे चमकते हुए सितारों की तरह, ज्यादा रोशन चमकते हुए सितारों की तरह उनके चेहरे होते हैं। इस तरीके से उनके चेहरे होंगे, इस तरीके से रोशन चेहरे वाले होंगे और वो जब जन्नत में दाखिल होंगे तो इस तरीके से उनको, आप जानते हैं जन्नत में दाखिल होने से पहले पुल सरात को जब पार कर लेंगे तो पुल सरात को पार करने के बाद एक और पुल आएगा और वहां पे एक चश्मा होगा, उस पुल को भी मुकंतरा कहा जाता है। वहां पे उस पुल से गुजर के तो वहां पे जो चश्मा है वहां से ये उस पानी में ये गुसल करेंगे और फिर वहां पे इनको अहले जन्नत के लिबास पहनाए जाएंगे और वहां पे तैयार होके जन्नत में जाने के लिए तैयार होके वो बैठेंगे। और फिर जब हुक्म आएगा, हुक्म इलाही आएगा, बुलावा रब का आएगा तो ये जन्नतों की तरफ चल पड़ेंगे और जिस जिस दरवाजे से इनके नामों को पुकारा जाएगा उस दरवाजे से ये जन्नतों में दाखिल होंगे और जन्नत में अपने घर को ऐसे ही पहचानते होंगे। ये आका करीम ने फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अहले जन्नत जन्नत में अपने घर को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे दुनिया में अपने घरों में जाने के एड्रेस और पते इनको मालूम है, जन्नतों में भी अपने घर को ये पहचानते होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको उस घर की पहचान करवाई हुई है। ये दरवाजों से दाखिल होते ही अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे। किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पे महल्लात बनाए हैं और ऐसी ऐसी इमारतें हैं, ऐसे ऐसे बालाखाने हैं जिनको कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको ऐसे मर्तबे और मुकाम दिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के मुताबिक कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के आला दर्जों और आला मर्तबे पे फायज होने वाले लोग हैं ऐसे ही आप उनको देखोगे जैसे जमीन पे खड़े हुए आसमान की तरफ निगाह उठाते और चांद और सूरज को देखते हो, इसी तरीके से अहले जन्नत के चेहरों को देखोगे। उनके जो घर हैं, जो उनके ठिकाने हैं, वो जितना उनको अल्लाह का जिक्र आता होगा, जो अल्लाह की बात और अल्लाह के कुरान को जानते होंगे वो अल्फाज बोलते जाएंगे और जीने जो है वो चढ़ते जाएंगे। जब अल्लाह का जो कलाम है, जो अल्लाह का जिक्र है, जो अल्लाह की बात है, जब उनकी मुकम्मल हो जाएगी वहां पे ही उनका घर और उनका दरवाजा होगा। और आप ये भी देखिए क्या मर्तबे और मुकाम उन हुफाज के जिनके सीने में मेरे रब का कलाम महफूज है, जिनकी जुबानों से अल्लाह के तज़किरे और अल्लाह की आयात निकलती हैं, जो सूरह अलहम्द से शुरू करें और सूरह नास पे जाके मुकम्मल करें, वो वहां से अपने रब का तज़किरा और अपने रब की बात को पढ़ते जाएंगे और जीने चढ़ते जाएंगे। और जब सूरह नास पे मुकम्मल होगी तो उनके घरों के मसनद उनके सामने और उनके गेट उनके सामने खुले हुए होंगे। अल्लाह करीम हमें ये नज़ारे और ये मंजर देखने नसीब फरमाए, अल्लाह करीम हमें जन्नतों में दाखले नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, ए अल्लाह करीम हम तुझसे जन्नत फिरदौस के तालब हैं, हम तुझसे जन्नत फिरदौस मांगते हैं। तो अल्लाह करीम जन्नतों में हमें अपने दीदार नसीब फरमाए, अल्लाह करीम जन्नतों की नेमतों से हमारी आंखों को लुत्फ अंदोज होने के मौके दे, अल्लाह करीम जन्नतों के खाने हमें नसीब फरमाए, अल्लाह करीम जन्नतों में ठिकाने हमें नसीब फरमाए।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बंदे का घर जन्नत में तैयार करके रखा है सिवाय उनके जो वहां जाने से इनकार कर दें। आका के साथियों ने पूछा कि वो कौन होगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग होंगे जो मेरी तालीम के ताबे नहीं होते, जो मेरी लाई हुई बात और मेरी बताई हुई बात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के मुताबिक नहीं होते, ये उनकी बात है, उन्होंने जन्नतों में जाने से इनकार कर दिया। इसलिए अगर जन्नतों के मुतलाशी हैं, कुरान की आयत देख लीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहबिबकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बतें करते हो, अल्लाह के हबीब की इत्तबा करने लग जाओ, अल्लाह के रसूल की पैरवी करने लग जाओ, अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने लग जाओ, यही कामयाबी है और यही तुम्हारी जन्नतों में जाने की जमानत है। जन्नतों में जाने की जमानत मेरे आकाए करीम की सुन्नते साबिता है, जन्नतों में जाने की जमानत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जन्नतों में जाने की जमानत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है। तो इसलिए अगर जन्नतों की जमानत चाहते हैं, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तो मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नतों की गारंटियां देता हूँ, अपनी जुबान और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटियां देता हूँ। तो ये अपनी जुबानों की हिफाजत और अपनी इज्जतों के मुहाफिज बनिए, मेरे नबी के फरमान आते हैं कि आपके लिए जन्नतों की जमानतें हैं। अल्लाह करीम हमें जन्नतों का मुतलाशी बना दे, अल्लाह करीम हमें जन्नतों के हसूल की कोशिशों में मशगूल फरमा दे, अल्लाह करीम हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। मुझे इस्लाम चैनल उर्दू वालों को मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा और जन्नतों की तलाश जारी रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपके नसीब में करे और अल्लाह करीम हमें दाखिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।